हमें साथी सब और जम्मू वाले जम्मू का हक मिले, असें बराबरी का हक मिले, उस तराजू जा बराबर तोले जाचे कोई कि ऊपर दुआ पलड़ा भारी नहीं होए। असें एक गल आखी और एक बवाल खड़ा हो गया। असें फैसला किया, असें नेतृत्व दिखाया, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी साहब का नेतृत्व, उन्हें आख्या सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, और ऐसा सुदृढ़ नेतृत्व कुछ ही पसंद आवे या नहीं आवे, मेरे ख्याल पिछले 70 साल के बीच भारत कदे नहीं होया। एक इतना मजबूत प्रधानमंत्री जिहड़ा लोकें दे दिले च बास करदे हो, जिंदा बास लोकें दे दिले च है, हर दिल की टटोलो आवाज अंदर नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी निकलती, और उन्हें नारा दिता सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। और असें ये यकीन है, और ये मेरा मानना जाती तौर पर, कि अगर इस वेले जम्मू सूबे दे कन्ने इंसाफ नहीं हो सकता, तो फिर कभी भी जम्मू सूबे कन्ने इंसाफ नहीं हो सकता अगर इस नेतृत्व दे कोला नहीं हो। इसलिए जरूरी था कि सारे इकट्ठे हो जाते, और मैं आज बड़ी जिम्मेवारी कन्ने आखना अशोक कौल साहब साढ़े नेता हैं, साढ़े गाइड हैं, साढ़े मार्ग असीं दसदे दिशा निर्देश दिंदे, अस इंदे कोला सिक्खी सिक्खी पुछी पुछी पार्टी कदम रखने हैं। मी यकीन है कि जम्मू की उसका हक मिलेगा। माननीय अमित शाह साहब जिसले जम्मू आए थे, उन्हें आख्या कि जम्मू के साथ अब ना इंसाफी नहीं होगी और जम्मू की अपना हक मिलेगा, जम्मू की बराबरी का हक मिलेगा, और फिर फैसला जेड़ा है वो लोग करेंगे। जमहूरियत लोग मजबूत होते, लोग फैसला करते, जमहूरियत फैसला जेड़ा है वो कोई और नहीं करता, लोग करते। एक कुसे ने जिसने मैं पार्टी ज्वाइन की, ते मिगी एक बड़े बड़े कदावर नेता हैं जेड़े बड़े बड़े लीडर भी हैं, बारामूला दे रौने वाले साहब का मंत्री है, उन्हें टेलीफोन किया। मैं क्या पता नहीं हूं क्या आखदे, उन्होंने कौल साहब मुझसे कहा, उनका ब्लॉक के अहदेदारान, डिस्ट्रिक्ट के अहदेदारान और हमारे तमाम सरपंचेज और पंचेज और कारपोरेटर आज बीजेपी का थामन दामन है दामन पकड़ने जा रहे। ये कौल साहब, मेरा जिंदगी का जीवन एक संघर्ष रहा है। मैंने 40 साल लोगों की खिदमत की है, मैंने लोगों की खिदमत की, और उस खिदमत का आज ये प्यार दर्शाता है जो आपका आज आप आशीर्वाद मुझे देने आए हैं। मैं आपका हमेशा ऋणी रहूंगा, मैं आपका उधार जो है नहीं पूरा कर सकता। ये लोग, ये वो लोग हैं जो गांव में अपना असर रखते हैं, ये वो लोग हैं जो जमीन से जुड़े हुए हैं, ये वो लोग हैं जिनके कहने पे लोग चलते हैं, वोटर चलता है। और आज इस सांबा की इस पावन धरती में आज लोगों ने नरेंद्र भाई मोदी के हक में और भारतीय जनता पार्टी के हक में आज अपना जो जो है प्रदर्शन दिखाया है, मैं इन सबको मुबारकबाद देता हूं। जनाबे आला, हम आपकी जमात से जुड़े हैं कौल साहब,
हमें कोई लालच नहीं, हम जमात के वफादार सफाई हैं, आए हैं तो दिल से, हम दिल से आए हैं, हमें जबरदस्ती नहीं लाया गया, हमने आपकी विचारधारा के साथ जुड़े और इस विचारधारा को, इसको काम करने के लिए, इस जमात को, इस संगठन को मजबूत करने के लिए काम करेंगे और जम्मू के खित्ते के लोगों की आवाज बनके जम्मू की बात करेंगे, जम्मू के लोगों की बात करेंगे, जम्मू भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद।